कितने ग्राम हमारे पकौड़े बन के तैयार हुआ। तो ये हाल है दोस्तों, कच्चा प्याज सब डाला हमने ऊपर से, प्याज सब डाला क्योंकि इससे इनका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। बड़े गर्म हुए चावल, इतने दिन होने नहीं है गर्म। अच्छा, ये बन गया हमारा एक पतेड़ा। काफी पुरानी है, मतलब 5 या 6 दिन पहले की ये वीडियो है जो आप इस ब्लॉग में देखेंगे। हेलो नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने किचन से। शाम के तकरीबन 5 बजे निकले हैं और हमारे आज डिनर बनेंगे पतौड़े। मम्मी आज पतौड़े डालेंगे दोस्तों, जिनको हम अपनी पहाड़ी में बोलते हैं पतेड़। तो वो आज इस वीडियो में आप देखेंगे। अगर आपको हमारे पतेड़ पतौड़े अच्छे लगते हैं तो आपने शेयर जरूर करें दोस्तों। और तकरीबन 8 बजने को आए हैं और मम्मी यहाँ तैयारी कर रहे हैं पतौड़े बनाने की, जिनको हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं पतेड़। आपकी लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलते हैं आपने जरूर कमेंट करके बताना है। और जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये हैं अरबी के पत्ते दोस्तों। अरबी के ऊपर लगने वाले पत्ते ऐसे कुछ होते हैं और जिनको खेत से हम निकालते हैं। और आजकल के सीजन में, बरसात के सीजन में पत्ते लगते हैं। ये देखो, मम्मी इनके जो डंठल हो गए, डंडे हो गए, उनको निकाल रहे हैं और कुछ ऐसा डिजाइन बना रहे हैं इनका। ये देखो, कम से कम 15-20 कितने पत्ते लेंगे मम्मी? 10 या 15 कितने पतेड़ पेड़ इन्होंने? तब कम से कम 3 पत्तों का एक पतेड़ बनता है दोस्तों। मम्मी बोल रहे हैं यहाँ से इसे 5 पतेड़ बन जाएंगे जिनको हम बोलते हैं। और पतेड़ बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री बनानी पड़ती है ये मेन आइटम। इस क्या क्या पाए रहा मम्मी? पीले चने की दाल पाए सगने, कने चौल सगने पाए 2-3 घंटे पहले, मतलब संजा पतेड़ बनाने था 2-3 घंटे पहले ये पाए दो। अच्छा, कितने कितने कौली कौली मसाला पाया, फेरी बाबरी पाई, हरी मिर्चा पाइया, बीन पाया, प्याज पाया, नमक बसवार, सब सारा मिक्स करने ये बने मसाला। तो आपको बता दो दोस्तों, पहले चावल डालने 1 कटोरी आधी कटोरी ना मम्मी, पीले चने की दाल उनको डालना भिगोने के लिए कुछ टाइम, और 2-3 घंटे पहले। और 2-3 घंटे पहले जब आप भिगोने डाल देंगे, उसके बाद आपने मिक्सी में वो ग्राइंड करना है, उसका बनाना ऐसा पेस्ट। और जब ग्राइंड हो जाएगा उसमें आपने साथ में डालनी है मिर्ची, धनिया, जीरा, लौंग मसाला, जो भी आपके पास होगा अवेलेबल, नमक हो गया, हल्दी हो गया ना मम्मी, ये सब कुछ आपने मिक्सी में पीस करके ऐसा पाउडर बनाना है। उसके बाद इसमें मिक्स करना है मक्की का आटा, तब ये बनेगा ऐसा मसाला। इसके ये बनते हैं जी, ये डिजाइन है पतौड़े बनाने का, पतेड़ बनाने का। मतलब इस मसाले को पूरे पत्ते जले पीटना मम्मी, है ना? ये देखा, इं फिर ये मोल्ड करना, ये कुकर च पाने मम्मी? कढ़ाई बनाए देने, कुकर च बनाए देने, पतीले च, घी च बनाए देने। अच्छा, ये देखो दोस्तों, आजकल ये प्रजाति खत्म हो रही है पतेड़ डालने वाली। पहले की बुढ़िया मम्मी पतेड़ पाने बड़ा चौक रही है ना, और खाने बड़े गर्म हुए है ना, बड़े गर्म हुए चावल पाए, इतने दिन होने नहीं है गर्म। अच्छा अच्छा, दही ने खाओ ना, लस्सी ने खाओ। ये देखो दोस्तों, ये बने पतेड़ नहीं करें, ये बन गया हमारा एक पतेड़।
चार आप सामने देख रहे हैं, चार पतेड़ मम्मी ने बनाए हैं। अब इसको डालेंगे इस कढ़ाई में तेल डाल के और उधर रख देंगे चूल्हे में जहाँ आग जलाई है। और इधर पतेड़ को देखने कौन कौन आया, देखो गोरू भी सीख रही है पतेड़ है ना गोरू। ये देखो ये डाला मम्मी ने तेल इनमें और उसके बाद डालेंगे इसमें पतेड़। ये मम्मी तेल फिर कच्चा रहता हाँ। गोरू कितने देख रही क्यूरियोसिटी से भी क्या हो रहा है। ये पै रहा है पतेड़, बोले क्या बना रहा पतेड़, ऐसे पतेड़। इधर तेल ये जी तुम कितना घंटे रखना है। अच्छा मन मन आ गई है, चप 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 पूरी रात रहेंगे पर ताम नहीं पके होने ना। अच्छा इसको दोस्तों चूल्हे में धीमी आंच पे रखेंगे और ये रख दिया इसके ऊपर ढक्कन। ये लो जी ये ढक्कने मम्मी जी ने देव सील सील तो ये जी ये रखेंगे हम यहाँ चूल्हे पे। ये देखो और इसको बेट देने के लिए हम इसके ऊपर रखेंगे ये बत्तू। ये रख दिया और कम से कम इनको एक घंटे बाद हम देखेंगे यहाँ आग अगर अच्छी जली तो एक घंटे बाद हम इनको चेक करेंगे फिर पलट देंगे इनको। और ये कल सुबह होंगे खाने के लिए। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है, कितने ग्राम हमारे बन के तैयार हुआ। तो ये हाल है दोस्तों, ये देखो इनको पतेड़ बोलते हैं हमारे यहाँ और अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। वैसे हिंदी में इनको पतौड़े बोला जाता है। ये देखो ये स्टेटस है इनका। अब पूरी रात इनको हम ऐसे रख देंगे दोस्तों, ऐसे बंद करके और ये ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और यहाँ हल्की हल्की आग जला देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और होता ऐसे ही है क्योंकि इनको अगली जैसे धीमी आंच पे चूल्हे पे पकेंगे तो ये उतने ही स्वादिष्ट खाने के लिए होंगे। और अगले दिन सुबह हम इनको तड़का लगाएंगे दोस्तों, तब ये खाने लायक होंगे। तो ये आप देखेंगे अगले दिन। तो ठीक है अब शुभ रात्रि। तो दोस्तों आई होप आपने वो पूरी क्लिप देखी होगी जैसे जैसे मम्मी ने डाले थे पतेड़। कुछ उबल के तैयार हो गए हमारे पास पतेड़। ये तीन पतेड़ दोस्तों, एक पतेड़ हम खा चुके हैं सुबह और बाकी जो बचे थे उनको हम एक एक करके लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए सिंपल ये जो प्याज होता है इसको काटेंगे और इसको ऊपर से डालेंगे, मतलब तड़के के पहले पतेड़ डालेंगे उसके बाद डालेंगे इसको प्याज को, मतलब कच्चा कच्चा प्याज रह जाएगा उसको खाने में टेस्टी होता है। और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस करता हूँ तब हम इनको फ्राई करेंगे। हल्का प्रभाव क्योंकि इससे इनका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। रख देते हैं पकने के लिए। तो दोस्तों अभी चेक करते हैं हम कि ये पक गए हैं कि नहीं पके हैं या खाने लायक हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखो दोस्तों ऐसी कुछ इनकी हालत है। हा हा हा
और एक बात है कि आप जितने इनको फ्राई करोगे, जितने देर आप इनको चूल्हे पे गैस पे जहाँ रखेंगे, उतने ही क्रिस्पी होंगे और उतने ही टेस्टी होते जाएंगे। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद इनको कैसे खाने पसंद करते हैं, या तो क्रंची टाइप या तो ऐसे। तो अभी मैं मम्मी को चेक कर लेता हूँ इनको, थोड़े जैसे हम टेस्ट कर लेते हैं। इतने कितने वर्नो चलो मम्मी चेक करा कि कैसे बने हैं, केड़े बने मम्मी? ठीक है, ठीक है बतेड़ ओके। थोड़े मम्मी थोड़ा जना फ्राई करके थे ना, ज्यादा क्रंची होना फिर ना ज्यादा टेस्टी बनने ना। ये गरम बड़े हुए मम्मी, क्या होने भाई गरम बड़े हुए थे, लस्सी कने दही कने खाओ ना। मैं तो बीपी का मरीज हुआ या फिर इन्हें तो दस्त लग सकता है, मतलब इतने गर्म हुए है ना। आई होप आपको हमारे छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। कहने अरे पतेड़ आपने जरूर बताने हैं कि आपको ये वाली सब्जी पतेड़ जिनको हमने बोला, जो मम्मी ने कल शाम को डाले थे और आज मैंने फ्राई की तड़का लगाया, तो आपको कैसे लगी वीडियो में आपने कमेंट करके बताना है। और आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, अगर आप भी खाते होंगे तो भी आपने कमेंट करके बताना है। आपके यहाँ कैसे बनते हैं, आप लोग इनको क्या बोलते हैं, आपने वो जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्थी। जय हिंद जय हिमाचल।